कल मेरे एक लर्नर से मैंने पूछा कि एमिलियोरेट एक वर्ड है इस वर्ड का एक्चुअली मुझे बताओ कि इस वर्ड की फॉर्म क्या है एंड द लर्नर वॉज मैम फॉर्म होती क्या है एंड ही वॉज लाइक कन्फ्यूज अगर आपको यही नहीं पता कि वो वर्ड एडजेक्टिव है नाउन है एडवर्ब है तो वो कैबुलरी करने का क्या मतलब इफ़ यू वॉन्ट की वोकेबलरी कैसे याद करनी है यू शुड यूज़ माई एफ एम एस मेथड अब यार ये फ़रीदाबाद मॉडल स्कूल नहीं है या ये कोई और मॉडल स्कूल नहीं है सो बेसिकली एफ एम एस रूल जो है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में सो बेसिकली एफ एम एस में होता क्या है कोई भी आप एक वर्ड ले लो वो वर्ड की सबसे पहले आपको वर्ड फॉर्म पता होने चाहिए कि इसकी फॉर्म क्या है क्या ये एक नाउन है एडवर्ब है या एक एडजैक्टिव है उसके बाद पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है अब अगर मीनिंग ही नहीं पता तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे क्योंकि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो सेंटेंस ही फ्रेम करना है एफ एम एस फॉर्म मीनिंग एंड सेंटेंस फॉर्म पता है मीनिंग नहीं पता फिर भी सेंटेंस नहीं फ्रेम होगा फॉर्म नहीं पता मीनिंग पता है फिर भी सेंटेंस नहीं फ्रेम होगा सेंटेंस पता है फॉर्म और मीनिंग नहीं पता फिर भी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यूज ही नहीं कर पाओगे तो एफ एम एस में तीनों चीजें जरूरी है तीनों लेटर जरूरी है फॉर्म भी जरूरी है मीनिंग भी जरूरी है सेंटेंस भी जरूरी है अब वो कैबलरी याद करने का मैं इतना अच्छा तरीका बताने वाली हूँ आपको कि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो वर्ड आज याद कर लोगे ना वो हमेशा याद रहेगा तो पहला वर्ड मेरा यहाँ पे है एमिलियोरेट एमिलियोरेट होता है पहले तो ये देखो ये वर्ड है क्या एमिलियोरेट एक्चुअली एक वर्ब है वर्ब ठीक है कोई एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं वर्ब बोलते हैं सो एमिलियोरेट का मतलब क्या है इंप्रूव करना ठीक है वर्ब है मतलब है इंप्रूव करना अब सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ दिस मेडिसिन In order to increase the efficacy of this medicine or in order to ameliorate the efficacy of this medicine hai? researchers need to medical researchers need to study other efficacy improve karne, kuch studies karne they need to study they need to do various studies in order to improve the efficacy in order to ameliorate the efficacy of a medicine. For example, if the government, इम्प्लीमेंट्स स्ट्रिंजेंट रूल्स अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है स्ट्रिंजेंट रूल तो क्या होगा इफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट रूल्स द सिचुएशन विल एमिलियोरेट सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी मतलब कि एमिलियोरेट हो जाएगी समझ आया एफ एम एस एमिलियोरेट वर्ब है मीनिंग इंप्रूव है

कोई फायदा नहीं होना सच्ची में नहीं होना यार सेंटेंस में कैसे यूज करोगे ऐसे राइटिंग में स्कोर कैसे होगा वर्ड यूज कर लिया वर्ड की यूजेज गलत है स्कोर डिडक्ट होगा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो वॉट डू यू नीड टू तो डू हेयर देखो एट्रीब्यूटिंग एट्रीब्यूटिंग टू एट्रीब्यूटिंग बेसिकली क्या है ये एक वर्ब है एट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है वर्ब है ये पता चल गया फॉर्म मीनिंग क्या है लीडिंग लीडिंग कॉजिंग लीडिंग टू ठीक है डेट इज एट्रीब्यूटिंग अब कैसे यूज करेंगे द रीजन लीडिंग टू दिस ट्रेंड द रीजन एट्रीब्यूटिंग टू दिस ट्रेंड आर टू फोल्ड दो रीजन है बात ही खत्म हर बॉडी पैराग्राफ में यूज कर सकते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वर्ड इज Exacerbate. अब आप सोचोगे मैम आपने तो आज सारे ही वर्ब वाले करा दिए यार कुछ तो सीखा ना तीन नए वर्ड सीखोगे और ये तीन नए वर्ड किसी भी ऐसे में यूज कर सकते हो Exacerbate. Exacerbate का मतलब क्या होता है किसी सिचुएशन को वर्स कर देना ठीक है सिचुएशन खराब हो रही है exacerbate हो रही है Exacerbate एक वर्ब है ठीक है इट इज अ वर्ब फॉर्म पता चल गई मीनिंग वर्स हो जाना खराब हो जाना मीनिंग पता चल गया सेंटेंस इफ द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट डज नॉट इनएक्ट स्ट्रिक्ट रूल्स द सिचुएशन विल एक्सासरबेट अगर गवर्नमेंट क्या करेगी इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डज नॉट इनएक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इनएक्ट अगर वो इन एक्ट नहीं करती स्ट्रिंजेंट लॉज ठीक है लागू नहीं करती स्ट्रिंजेंट लॉज तो क्या होगा What will happen? The situation will exacerbate. Situation बद से बदतर हो जाएगी सिचुएशन खराब हो जाएगी और इन एक्ट का मतलब क्या है इन एक्ट भी एक वर्ब है जिसका मतलब है लागू करना समझ आया कैसे करना है ये मेथड हमेशा अपने माइंड में रखना एफ एम एस अगर आपके पास और कोई इजी मेथड है ना तो मुझे बताना और किसी भी वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम ये वर्ड की फॉर्म क्या है ये वर्ड का मीनिंग क्या है ये वर्ड में सेंटेंस कैसा यूज करेंगे कमेंट सेक्शन में भेजो शॉर्ट्स बना के बताऊंगी आपको सो आई वांट एटलीस्ट हंड्रेड वर्ड्स मेरे पास आने चाहिए नए तो आपने अपनी वोकेबलरी के साथ साथ मेरी भी और इम्प्रूव करानी है दैट्स ऑल फॉर टूडे मेथड को इनकॉर्पोरेट करो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना अच्छा लगा कि नहीं लगा Bye bye take care